बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार केक बर्थडे केक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही इजी और ब्यूटीफुल बनके तैयार होता है। आप लोग बच्चों के लिए अपने बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने किस तरह से बनाया है, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। मैंने स्पंज लिया था, वनीला स्पंज था। मैंने इसकी रेसिपी काफ़ी बार दे चुकी हूँ तो इसलिए मैंने आपसे शेयर नहीं की थी कि आप लोग बोर हो जाएंगी एक बार रेसिपी को देखते देखते। तो मैं आपको, आप मेरी किसी भी रेसिपी में देख सकते हैं। वनीला स्पंज केक मैंने 3 अंडों से बना के इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया था और इसको, इसका बटर पेपर में इसको निकाल रही हूँ। सारे ही बटर पेपर इसका रिमूव करेंगे और गोल केक से किस तरह से मैं इसका कार का शेप बनाऊंगी। तो आप लोग रेसिपी को फुल वॉच करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसका ऊपर का टॉप का जो पार्ट है वो मैं एक्स्ट्रा निकाल के रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है 2 कप और इसको मैं इतना व्हिप करेंगे कि इसके स्टफ़ पिक्स बन जाएँ तो एयर आ जाएगी अच्छी खासी। तो इसको हम करते हैं बीट। बीटर की मदद से इसको 7 से 8 मिनट लगते हैं। अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो डबल टाइम रख लें। तो देखें इस तरह से अब ये स्टॉफ्ट आ गए हैं, बिल्कुल तैयार हो गई है क्रीम। इसको अब मैं डिवाइड कर लूँगी 2 पार्ट्स में क्योंकि मुझे बनाना है ब्यूटीफुल सा कार केक। तो इसकी जो भी क्रीम है उसको मैं आधे हिस्से में कर लूँगी ताकि इसकी जो क्रीम का कलर को देना है मुझे आधी, और आधी को मुझे वाइट ही रहने देना है। डिवाइड कर लिया है मैंने 2 पार्ट्स में। इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लू कलर, आप अपने पसंद का कोई भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ। कलर को भी मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी बीटर की मदद से। और देखें लाइट सा कलर बनके तैयार हो गया है। अच्छी तरह से इसको भी बीट करने के बाद इसको हम चिल करने के लिए रख देंगे और इसको एक बैग में भर लेंगे न्यूजिल में, स्टार न्यूजिल लगा के। दूसरी तरफ हम इसका स्पंज जो है वो रेडी कर रहे हैं कार का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो इस तरह से देखें मैं इसको सोक कर रही हूँ शुगर सिरप से। शुगर सिरप भी मैं आपको बता चुकी हूँ कई दफ़ा, 2 टेबल स्पून चीनी और 1/2 कप पानी के अंदर उसको शुगर सिरप को डिजोल्व करके केक को सोक करना है। और क्रीम इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं, बिल्कुल पतली और थिन करके लेयर लगानी है क्योंकि ऊपर से जो टॉप देंगे उसमें भी अच्छी खासी क्रीम होगी। इसमें दूसरा भी पार्ट हम इसका इस तरह से रख के इसको सोक कर लेंगे और इसको भी हम पूरे ही केक को कवर कर देंगे क्रीम से सब तरफ से। तो गोल किस पेन के केक से मैंने कार का शेप दिया था, बहुत इजी बनके तैयार हो जाता है। आप लोग भी देखेंगे तो ख़ुद बना सकती हैं। और क्रीम को मैं सब तरफ से इस तरह से इसको कोट कर रही हूँ। तो देखें इस तरह से मैंने कर्ल कर कवर करने के बाद इसको थोड़ी देर हम रख देंगे चिल करने के लिए फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए और इसकी क्रीम जो है वो सेट हो जाए। अब मैंने इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। तो उसकी जो साइड वाला बीच का जो पार्ट है उसको हम कार का बेस बनाएंगे और साइडों का उसका ऊपर का टॉप बनाएंगे जिससे हम इसके मिरर और सामने का और बैक का हिस्सा बनाएंगे। तो इस तरह से उठा के मैंने इसके ऊपर रख दिया है। दूसरी तरफ से भी मैं कार को इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए काट रही हूँ। जितना मैंने इधर से काटा था उतना ही मैंने इधर से भी डिवाइड करके कट कर लिया है। और इसको भी मैं देखें इस तरह से उठा के रख दिया है नाइफ़ की मदद से। आप जिस तरह से आपको सहूलत लगे आप बना सकती हैं। और सामने से मैं इसके फ्रंट से हम थोड़ा सा इसकी कटिंग करेंगे फ्रंट के मिरर बनाने के लिए, जो मिरर का हिस्सा होता है उस तरह का। और पीछे का हम बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा इस तरह ही रहेगा। तो इस तरह से देखें मैं इसको अब क्रीम से सब तरफ से कवर कर रही हूँ ताकि ये सेट हो जाए और एक फाइन सा स्ट्रक्चर नज़र आए हमें कार के लिए। तो देखिए कितना ईजीली वे में बन के तैयार हो गया है कार का हमारा स्ट्रक्चर, यमी सा। आप अपने बच्चों को इंजॉय करा सकती हैं बर्थडे में बना के गिफ्ट के तौर पे। उसका स्पंज की जो रेसिपी है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लेना। अब मैं टूथपिक की मदद से निशान लगा रही हूँ इसके मिरर फेस की, जिन्हें स्माइल जो इसकी होती है वो आगे से स्माइली फेस बनाने के लिए, हेडलाइट्स के लिए भी निशान लगा दूँगी। और इस तरह से साइडों के जो मिरर के होते हैं इससे उसको हम पिज़्ज़ा की शेप में इस तरह से साइज दे रही हूँ। इस तरह से आप इस अंदाजे से इस तरह से पहले इसको सब तरफ से निशान लगा लें। और इसको मैं अब गिनाश बनाया है, मैंने चॉकलेट को दूध के साथ पका के ठंडा कर लिया था और इसको एक शॉपर में भर लिया था। तो साइड में मैं इसके देखें इस तरह से इसके सब तरफ से आउटलाइन जितनी भी मैंने बना के आपको दिखाई है उसके ऊपर मैं ये आउटलाइन कर दूँगी चॉकलेट से। इससे ब्यूटीफुल बन लेगा, जब लास्ट में आप इसका लुक देखेंगे तो इसकी वजह से अच्छा लगेगा इसकी आउटलाइन जो होगी। चॉकलेट तो बच्चों को बहुत ही पसंद होती है तो केक जो है वो और भी यमी हो जाएगा, मज़ेदार सा लगेगा। तो ये स्माली भी मैं इसको आउटलाइन दे रही हूँ चॉकलेट से। आगे के बैक के फ्रंट के साइडों के जितने भी इसके मिरर के निशान हैं उनको भी मैं चॉकलेट से आउटलाइन दे लूँगी। अगर आप अपने बच्चे की बर्थडे पर बना देंगे तो वो तो बहुत ही आपका फ़ैन हो जाएगा।
बहुत इजी बन के तैयार हो जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। 1 से 1.5 घंटे में आपका ये केक रेडी हो जाएगा और आप बर्थडे के लिए इंजॉय भी कर सकते हैं। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। आपका एक लाइक से मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकता है, तो प्लीज़ चैनल पे आते हैं तो वॉच करके जाते हैं तो लाइक भी कर दिया करें। और ये जो मैंने ब्लू क्रीम भरी थी, इसको मैंने इस तरह से स्टार न्यूजल में रख ली थी और मैं इसको ड्रॉप 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 बिल्कुल बारीक करीब करीब लगाने हैं। अगर आप स्पेस दे देंगे ना, बीच में गैप लगेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जो वाइट इसका हिस्सा है वो बिल्कुल कवर हो जाए और सब तरफ से हम इसको इस तरह से इसका ब्यूटीफुल सा इसकी फिलिंग कर देंगे सारी ब्लू क्रीम से। आपको जो कलर पसंद हो आप उस कलर की बन सकते हैं। मुझे ब्लू कलर पसंद आ रहा था तो मैंने इसलिए ब्लू कलर इसका चूज़ किया था। और इसका देखें, इस तरह से बॉर्डर लगाती जा रही हूँ मैं। काफ़ी टाइम लगता है इसको थोड़ा सा तहमुल के साथ बनाने में। तो देखें, ब्यूटीफुल सा हमारा केक बन के तैयार होता जा रहा है। बिल्कुल करीब करीब ड्रॉप लगाने के बाद ये आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी बन गया, ये काफ़ी टाइम लगा था इसको ड्रॉपिंग को सेट होने के लिए। एक एक ड्रॉप आराम आराम से लगाया था ताकि कोई स्पेस जो आपको नज़र आ रहे हैं वो भी मैं इसको फिल कर दूंगी। और बीच में जो ये मिरर है, इसको मैंने वाइट क्रीम न्यूजिल के अंदर, उसी न्यूजिल में स्टार न्यूजिल जो होती है छोटी वाली, उसके अंदर मैंने वाइट क्रीम फिल करने के बाद इसको हम ड्रॉप ड्रॉप करके फिल कर देंगे इसका मिरर का हिस्सा वाइट से। और स्माइलिंग की जो है, जितनी भी इसके आउटलाइन के अंदर की जो फिलिंग है वो हमें वाइट से ही फिल कर रही हूँ। और जो हेडलाइट हैं उनको हम येलो से फिल करेंगे। अगर आपके पास येलो कलर नहीं है ना, तो आप इसमें बंटी वगैरह भी लगा सकती हैं। अब मैंने ली है चोको चिप। चोको चिप तो यमी होती हैं और बच्चों को पसंद आती हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी हम इसमें चोको चिप भी लगाएंगे आगे के फ्रंट पे, कुछ इस तरह से। चोको चिप लगाने के बाद मुझे इसकी थोड़ी सी आइज़ का भी लुक क्रिएट करना है ताकि ये लगे कि वाकई बहुत ब्यूटीफुल सी कार है, ताकि बच्चे जो है जिसके लिए भी बन रहा है वो खुश हो जाए। तो ये देखें, मैंने इसकी आइज़ बना दी थी। और ओरियो बिस्किट जो सबके ही फेवरेट होते हैं, ओरियो कुकीज़, इसको मैंने इस तरह से इसको इसके टायर का लुक दे दिया था। तो देखें, इस तरह से दोनों तरफ में 2 ओरियो बिस्किट लिए थे, उनको खोलने के बाद हमारे टायर बन गए, तैयार हो गए थे कार के। तो मज़ेदार सा यमी और ब्यूटीफुल बच्चों का फेवरेट कार केक का एक स्ट्रक्चर और कार केक यमी बन के तैयार हो गया है। इसका बेस बना रही हूँ मैं ग्रीन, ताकि लगे जैसे हमारी जो कार है वो ग्रीन ग्रास पे खड़ी है। तो यमी और ब्यूटीफुल रेसिपी के साथ फिर लौट कर आऊँगी मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। रेसिपी देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।